हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। एंड आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने दोनों के बीच का रिलेशन देखा था, आज हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडीज देखेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट इंडिकेट्स दैट समटाइम्स देयर इज प्राइमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड समटाइम्स देयर इज प्राइमेसी ऑफ द म्युनिसिपल लॉ एंड समटाइम्स देयर आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लीगल सिस्टम। तो क्या होता है, कभी कभी जो प्राइमेसी मिलती है, जो सबसे पहले रखे जाते हैं, वो कभी इंटरनेशनल लॉ रखे जाते हैं और कभी म्युनिसिपल लॉ रखे जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का फिर एक लीगल सिस्टम निकल कर आता है। प्रैक्टिस रिलेटिंग कस्टमरी रूल्स एंड ट्रीटीज इज़ डिफरेंट। इन ये दोनों ही डिफरेंट हैं। कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ। जो कस्टमरी रूल हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो कैसे ट्रीट करे जाते हैं, एज द पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट शैल एंडेवर टू एंश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। राइट, हियर इंटरनेशनल लॉ मीन्स द कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो हमारा जो आर्टिकल 51C है, वो क्या कहता है कि जो स्टेट है उसको एंडेवर करनी चाहिए टू एंश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर एक केस आता है इन द श्री कृष्ण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इट वाज हेल्ड वेर एवर अ कोर्ट इंटरप्रेट स्टेट लॉ, द कोर्ट मस्ट ट्राई टू नॉट टू बी कॉन्ट्रेरी टू इंटरनेशनल लॉ। तो जब ये बताया गया कि जब वो स्टेट लॉ को इंटरप्रेट करेगा, तो वो इंटरनेशनल लॉ को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उसको वॉयलेट ना करे। राइट, एज वी सॉ दैट इंटरनेशनल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम म्युनिसिपल लॉ ऑन दी वेरियस एस्पेक्ट्स एज गिवन बिलो। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। द म्युनिसिपल लॉ इज डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल लॉ इज बाय द स्टेट। तो ये जो म्युनिसिपल लॉ है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल की वजह से है, और जो इंटरनेशनल लॉ है ये स्टेट की वजह से है। द म्युनिसिपल लॉ इज़ मेड बाय स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल लॉ इज़ बाय ट्रीटीज एंड कस्टम। जो इंटरनेशनल लॉ है वो ट्रीटीज एंड कस्टम से निकल कर आई है, और जो म्युनिसिपल लॉ है वो स्टेट लेजिस्लेशन से निकल कर आई है। The municipal law makes the relation between the state and individual, एक state और individual के बीच में relation बनाती है। On the other hand, the international law is, जो international law का relation होता है वो किससे होता है, state to state and individual to state, individual to state and individual and state to individual, right? International law is dynamic and huge and municipal law is limited. As I told you, जो international law है वो dynamic है, वो काफ़ी flexible है, वो huge है, और जो municipal law है वो limited है। right? So guys, आज के लिए बस इतना ही। like, share and subscribe. Bye bye.